So hi and welcome to this another episode with me, Arshia. I hope you guys are doing good. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MA HCET के बेसिस पे कॉलेजेस जो आप 60-70% पे कहीं ना कहीं स्कोर कर सकते हो. इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें बिकॉज मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ जो हो सकता है आपको कहीं और ना मिले अदर देन कॉलेजेस की लिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड. और हम बात कर रहे हैं अगर आप CET में 60-70% एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो. बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी. दैट चीज़ इज़ बेसिकली कि MA HCET का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र के बच्चे देते हैं बिकॉज इसके थ्रू आप JBIMS और सिमश्री जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो फॉर देयर MMS प्रोग्राम. बट अदर देन महाराष्ट्र के बच्चे बहुत सारे ऑल इंडिया के भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं. क्यों दे रहे होते हैं? बिकॉज उनको भी ये रहता है कि अच्छा मेरा अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा तो आई कैन गेट इन टू जमना लाल बजाज. बट सिर्फ हार्डली 3-4 कॉलेजेस CET के अंदर ऐसे हैं जो डिसेंट हैं जैसे कि JBIMS, सिमश्री, पुम्बा और ज़्यादा से ज़्यादा वेलिंकर का MMS रख सकते हो. उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं भले वो इंदिरा हो गया, भले वो SIS हो गया, भले वो चेतना हो गया, भले वो MET हो गया, जिनके लिए कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है बट जो एवरेज पैकेज उनका है वो आपको लेट्स से आपका 60% आया है आप उनके कॉलेज में PGODM में अप्लाई करके उस सेम पैकेज को ले सकते हो विच इस 6-7, 7.5 लाख के पैकेजेस वाले कॉलेजेस. तो आपका दो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है. एक वो बच्चा होगा जिसको डिग्री के लिए MBA करना है जो हो सकता है किसी कैटेगरी का आता हो क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप भी देती है, राइट? तो उसके लिए हो सकता है वो अपने परसेंटाइल के हिसाब से कैप के थ्रू कॉलेजेस टारगेट कर सकता है. और दूसरा वो बच्चा जिसको पैसे उतने ज़्यादा कंसर्न नहीं है, उसको प्लेसमेंट चाहिए. तो कई सारे कॉलेजेस इस लिस्ट में ऐसे हैं. इवन 95-90% वाले कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहाँ पे 100% प्लेसमेंट नहीं है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आई थिंक पुणे में जो सेकंड पे कॉलेज आता है दैट इज़ IIMT. और मैंने जब वहाँ के MBA के स्टूडेंट से बात की तो उनका कहना था कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड. जब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में जाता है और बोलता है कि प्लेसमेंट्स की क्या सिचुएशन है तो वो कहते हैं कि आप इंदिरा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ें स्टूडेंट्स को बोली जाती है जिसके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, राइट? सो आई जस्ट टेल यू कि अगर आपको CET के थ्रू कोई कॉलेज मिल रहा है, इफ़ इट इज़ दीज 3-4 कॉलेजेस या 1-2 कॉलेजेस और आप ले सकते हो, बट बाकी कॉलेजेस में प्लीज़ वेरीफाई कि प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो उस केस में आप चाहो तो दूसरे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, भले वो PGODM ही क्यों ना कराते हो. तो इस परसेंटाइल में देर आर सो मेनी कॉलेजेस जो दिए हुए हैं जैसे कि DY Patil पुणे का दिया हुआ है. इन सभी की फ़ीस कम है. आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैंने ये 62 या फिर कोई टॉप कॉलेज की लिस्ट नहीं है, परसेंटाइल वाइज जो कट ऑफ जाता है उसकी लिस्ट है. सिंगर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, इस ये भी है 60% कट ऑफ है. अगर आप इनके एवरेज पैकेज देखोगे किसी ज्यादातर कॉलेजेस का 4-4.5 और उसमें भी कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें हार्डली 50% बच्चे प्लेस होते हैं. देन वी हैव सूर्यदत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन पुणे, 63% कट ऑफ है. देन वी हैव इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो कि नवी मुंबई में है, 67% कट ऑफ है. देन वी हैव साधु वासवानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फॉर गर्ल्स, कोरेगांव पार्क में पुणे में है, इसका कट ऑफ भी 60-70 के बीच में है. देन वी हैव सिंगल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो पुणे में है, 65.62 का कट ऑफ है. आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, 61 है. और सिंगल आई थिंक इसको मैं दोबारा ये लिस्ट में है. तो कहीं ना कहीं आप ये 3-4-5-6 कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं. मैंने मेजरली इसमें मुंबई पुणे किस लिए रखे हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुंबई पुणे ही प्रेफर करते हैं. वैसे तो इसके अंदर नागपुर भी आता है, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बट 60-70 में आप ये कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो. कॉलेजेस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं पर जो मैंने बात आपको समझाई है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको समझ में आई है तो आप पहले डिस्कस करो, एनालाइज करो, बिकॉज MBA जो है वो एक फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है जो बच्चा अपनी एजुकेशन पे करता है. आप अभी MBA में 4 की जगह 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो बट आप दोबारा MBA नहीं कर सकते हो. एंड सो दैट MBA के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको कहीं पे भी कोई भी हेल्प लग रही है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.